मेरे प्यारे बच्चों ऑफ एसओएल स्टूडेंट्स के लिए जो डीओ की नोटिफिकेशन है उसको समझ लीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर 2020 में आपको एग्जाम देना था, 2019 में आपका एडमिशन हुआ था, इसको बोलेंगे सेशन 2019-20। यहाँ पर आपके सेमेस्टर सिस्टम के एग्जाम नवंबर 2019 में होने थे, जो पोस्टपोन्ड हो गए थे कि मई 2020 में दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ दिए जाएंगे। अब ड्यू टू दिस सिचुएशन, कोविड-19 सिचुएशन, आपके लिए ये फाइनल नोटिफिकेशन आई है, आपका असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये सर असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन है क्या? इसके लिए आपको आपके ईमेल आईडी पर एसओएल से एक क्वेश्चन पेपर आएगा विद इन टाइम लिमिट। एक दिन का टाइम हो सकता है, दो दिन का टाइम हो सकता है, पांच दिन का टाइम हो सकता है। एक डेडलाइन होगी कि इस पर्टिकुलर डेट पर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है। आराम से अपने टीचरों को परेशान कर दो, अपने गुरुओं को परेशान कर दो कि सर ये पेपर मुझे सॉल्व करके दे दीजिए। आप आराम से सॉल्व करवाइए, आराम से लिखिए, उसको अपलोड कर दीजिए, इंस्ट्रक्शन आएंगे कैसे कैसे करना है। क्लियर? एक टाइम पीरियड मिलेगा, बहुत आराम से कंफर्टेबल जोन में टाइम पीरियड मिलेगा। इसको बोलते हैं असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आपका कोई भी असेसमेंट के मार्क्स नहीं है, 12th के मार्क्स को कंसीडर करेंगे नहीं, इसीलिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों की असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जुलाई। पक्की बात है अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अगर बच्चा फर्स्ट असेसमेंट बेस एग्जामिनेशन को नहीं अटेम्प्ट कर पाता तो अगस्त में उसे सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एक उसको चांस यूनिवर्सिटी और देगी लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये वाला असेसमेंट बेस एग्जामिनेशन नहीं दिया। क्लियर? किसी भी रीजन से नहीं दिया, अगस्त में उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगी। तो दो पार्ट हो गए, दो ऑप्शन आपके पास आ गए। ये तो सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन है, इसी की बेसिस पे आपके ग्रेड लग जाएंगे, मार्क्स नहीं ग्रेड लग जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों सेकंड ईयर जो सेमेस्टर नहीं है एसओएल, सेकंड ईयर जिनको 2020 में एग्जाम देना था, 2020 में एग्जाम देना था, उनके लिए सेकंड ईयर की जो ग्रेड लगेंगे, सेकंड ईयर के जो ग्रेड लगेंगे या सेकंड ईयर के जो मार्क्स अवार्ड होंगे वो 50% ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर मार्क्स। 50% वेट आएगा फर्स्ट ईयर मार्क्स को और बैलेंस 50% के लिए असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन। असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन, सर असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन क्या होता है? यहां समझाया ना, एक क्वेश्चन पेपर आएगा मेल आईडी पर, इंस्ट्रक्शंस आएंगी, एक डेट होगी, इस डेट तक आपको अपलोड करना है। मोस्ट लाइकली डेट होगी, यहां इतना हार्श नहीं होगी यूनिवर्सिटी, मुझे जो लगता है कि आपको बोला जाएगा 3 घंटे का टाइम पीरियड है, 2 घंटे में सॉल्व करना है, 1 घंटे में अपलोड करना है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन ऐसा होगा, ये डेट है, इस डेट पर आपको एग्जाम पेपर मिल गया, ये डेडलाइन है, ये पर्टिकुलर डेडलाइन होगी, इस डेट तक आपको अपने हाथ से लिखकर पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। पीडीएफ बनाना नहीं आता हमसे सीख लीजिएगा फोन करके, अपलोड करना नहीं आता हमसे सीख लीजिएगा फोन करके, एस क्लासेस मैं प्रवीण गोयल सर, 9873228585 ये हमारा नंबर है। और कुछ पूछना हो और कुछ क्लैरिटी चाहिए तो ये देख लीजिए, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज अभी तक की ये डिस्कशन है। थैंक यू जी, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।